आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें चार जो ड्रग के तस्कर हैं और बड़ी मात्रा में ये हीरोइन सप्लाई करते हैं, पकड़े गए हैं। इनके पास से 3 किलो कच्चा माल मिला है और 15 किलो केमिकल मिला है जिससे ये बनाते थे, और सारा इसका सामान भी मिला हुआ है। इनके पास से 2 गाड़ियां भी मिली हैं, जो इस गैंग का लीडर है उसी के नाम है, उसकी एक पत्नी के नाम है, एक जाइलो कार है, एक स्विफ्ट डिजायर है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3 करोड़ से ऊपर ही होगी इसकी, और 2 गाड़ियां, और ये 4 मुलजिम पकड़े गए हैं। सर, किस तरह से धंधा करते थे, कब से ये लोग लिप्त रहे हैं सर? ये अभी तक की जो जाँच में निकला है कि ये इसका जो मेन सरगना है जैनेन्द्र, ये 2014 से इस धंधे में था। 2015 में ये इसी जनपद से जेल गया था और करीब 22 महीने जेल रहा है। उसके बाद से फिर निकल करके ये धंधा कर रहा था। सर, जो पकड़े गए आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी, वो क्या सरगना है, अंतर्राज्यीय है, किस तरह का है सर? वो अंतर्राज्यीय है, और ये जो पूछताछ से अभी पता चला है कि ये माल असम के गोलाघाट से ले आते थे और फिर यहाँ इसको बनाते थे, और बना करके फिर ये मध्य प्रदेश में और फिर गुवाहाटी में ही फिर ले जा करके उसे देते थे, उसी व्यक्ति को जिससे ही ले आते थे, आगे की सप्लाई वो करते थे। अभी बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन से और साफ होंगी कि इनका और यहाँ मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य में सप्लाई थी और क्या क्या करते थे ये। सर, ये सरगना जो मुख्य अभियुक्त है, वो उसके आने जाने का जो वो किस साधन का प्रयोग करता रहा है? हाँ देखिए, इसने 2014 से जब इस धंधे में था तो इसने बहुत सारा पैसा कमाया है, और ये हमेशा फ्लाइट से आता जाता था। अपने लोगों को जो माल था वो बस से ले आते थे, या आसाम से बस से चलते थे, और करीब 4 दिन लगते थे इनको यहाँ पहुँचने में। तो ये पूरी सावधानी बरतते थे। इनका कहना है कि साहब, बस में चेकिंग नहीं होती है, अगर हम ट्रेन से आएंगे तो ट्रेन में माल हमारा पकड़ा जा सकता है। और ये कई बार लोकल बसों का प्रयोग करते हैं, मेन रूट की बहुत बड़ी बसों का भी नहीं प्रयोग करते हैं, जहाँ इनको तनिक भी संभावना रहती है कि वहाँ ये चेकिंग में पकड़े जाएंगे। तो इन सबसे बचते बचाते हुए ये इतने दिनों से ये धंधा कर रहे थे। मामले में कितने लोग संलिप्त हो सकते हैं सर? अभी देखिए, मामले में तो काफ़ी लोग संलिप्त हो सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क है और जितनी दूरी है कि आसाम से लेके यहाँ गाजीपुर तक, और फिर मध्य प्रदेश की सप्लाई है, तो इसमें काफ़ी लोग हो सकते हैं। अपराधी के इतिहास सर क्या है? इसमें से केवल 2 का ही अपराधी किसी हाथ है, जो जेल गए हैं और 22 महीने रहे हैं, बाकी तो अभी अब पता करेंगे कि किसका कितना क्रिमिनल हिस्ट्री है। धन्यवाद।